नमस्कार, मैं प्रेरणा, आप देख रहे हैं न्यूज 1/11। मैं हाजिर हूं आपके साथ एक ऐसे मुद्दे को लेकर जिसमें हमारी देसी गर्ल यानी प्रियंका चोपड़ा को बुरी तरह से ट्रोल किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भारतीय सेना को सपोर्ट करने की वजह से एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई है और पाकिस्तानी यूजर्स ने इस बात का मुद्दा बनाकर यूनाइटेड स्टेट और यूनिसेफ को टैग करके एक ऑनलाइन पिटीशन भी शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी कलाकारों की मांग है कि प्रियंका चोपड़ा को यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर पद से हटा दिया जाए। बता दें कि प्रियंका चोपड़ा को दिसंबर 2016 में यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्या है प्रियंका के ट्रोल होने की वजह, तो आइए आपको इस बारे में बता दें। दरअसल प्रियंका ने ट्विटर पर एक ट्वीट किया था जिसमें भारतीय सेना को चीयर करते हुए उन्होंने जय हिंद लिखा था और साथ ही तिरंगे का इमोजी भी डाला था, जिसके बाद प्रियंका की यह ट्वीट पाकिस्तानी एक्ट्रेस अमीना खान के गले नहीं उतरे और उन्होंने रिट्वीट किया, क्या आप यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर नहीं है? हर कोई इस ट्वीट का स्क्रीनशॉट ले और जब प्रियंका अगली बार देश में शांति और सद्भावना के बारे में बोलेंगी तो उन्हें इस ट्वीट के बारे में याद दिलाए। सीरियल जिंदगी गुलजार है कि फेम एक्ट्रेस सना सईद ने लिखा, निर्दोष लोगों के शव को ढकने के लिए यह झंडा उतना भी बड़ा नहीं है। इसी तरह से कई लोगों ने ट्वीट करके प्रियंका को टारगेट बनाने की कोशिश की है। आपको बता दें कि प्रियंका के पिता इंडियन आर्मी के डॉक्टर थे। वहीं प्रियंका के इस ट्वीट के बाद पाकिस्तानी यूजर्स चिढ़ गए हैं और उन्होंने यूनाइटेड नेशन को प्रियंका से एम्बेसडरशिप वापस लेने की मांग की है। आपको बता दें कि प्रियंका ने अपने ट्वीट में कोई भी ऐसी बात नहीं लिखी थी। जाहिर तौर पर प्रियंका का इरादा किसी को हर्ट करने का नहीं था, लेकिन शायद पाकिस्तानी एक्टर्स को यह बात पसंद नहीं आई और उन्होंने लिहाजा प्रियंका को टारगेट करना शुरू कर दिया है। अब देखना यह है कि ट्रोल होने के बाद प्रियंका आखिर इन बातों का क्या जवाब देती है। फिलहाल इस वीडियोस में बस इतना ही, लेकिन ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और देखते रहे न्यूज 1/11। न्यूज 1/11 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।